70 वर्षों से निवास कर रहे बेहरासर पंचायत के मजरा मड़ैयन के लोगों के लिए आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। वर्षों से निवासरत है मगर आने जाने के लिए सुगम रास्ता नहीं है। इलेक्शन होते हैं, बड़े बड़े वादे उसी सड़कों से चलकर आते हैं मगर इलेक्शन खत्म, नेता गायब, जनहित का मुद्दा उनके लिए कहीं पड़ा कोने में कागज बन जाता है। वोट चाहिए मगर उस वोट के बाद का फर्ज कर्ज ही रह जाता है जो इन 70 सालों में किसी ने पूरा नहीं किया, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो। हम बात कर रहे हैं पन्ना जिले के गुनौर तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बहरासर के मजरा मड़ैयन में। लोगों को अभी तक आने जाने के लिए अच्छा रास्ता नहीं मिल पाया। हम चर्चा करेंगे, सवाल करेंगे जनहित के मुद्दे पे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मलखान सिंह राजपूत, गुनौर मंडल अध्यक्ष भाजपा, जीत सिंह परिमार, सरपंच बहरासर, राम नरेश लोधी ग्रामीण, साथ ही हमारे संवाददाता रजनीश नामदेव भी मौजूद हैं और मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा। चलिए बढ़ते हैं सवालों की ओर, चलिए जानते हैं इस ग्राम की हाल वहाँ के ग्रामवासी की जुबानी। इसके लिए राम नरेश लोधी जी, आपसे सवाल है कि आपकी क्या समस्या है, आपके ग्राम की क्या समस्या है और क्या सवाल है आपके जनप्रतिनिधियों से? जी राम नरेश लोधी जी, क्या समस्या है आपके ग्राम की और क्या सवाल है आपके जनप्रतिनिधियों से? जी, हमारे यहाँ रोड की बहुत खराब दिक्कत है जी, क्योंकि जब से हमने जन्म लिया है जब से हमने रोड देखा ही नहीं है। कुछ दूर सरकारी है, कुछ दूर तक किसी पट्टा वाला है। उसके कारण क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? हेलो जी, जी क्या आप सुन पा रहे हैं सवाल मेरा? जी अच्छी तरह से सुन पा रहा हूँ जी। आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सामना यही करना पड़ रहा है, हम देखो पढ़ाई लिखाई हमारी सब वहाँ से रुक जाती है, बरसात थोड़ी भी होती है बिल्कुल पढ़ नहीं पाती है। अगर कोई बीमार होता है तो हम उसको डोली में ले जाकर कहा उसको इलाज करवाते हैं, कोई कोई का धम ही कुट जाता है वहीं पे जी। तो अगला सवाल मेरा मलखान सिंह जी से, सर जिस रास्ते से आपका वोट आप तक जाते हैं उस रास्ते का विकास अभी तक क्यों नहीं हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है आपसे जी। विकास की बात जो आप बता रहे हैं, कुछ गांव में रास्ते की बड़ी समस्या है, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है जी। अभी वहाँ पहले लाइट भी नहीं थी, तो एक दो साल पहले जब उस गांव में आना जाना हुआ था तो गांव के लोगों ने बताया था कि लाइट की प्रॉब्लम है और वो समाधान नहीं हो पा रहा, तो उस समस्या का भी समाधान कराया था जी। और जी। एक BRGF मद से एक बीच में रास्ते में पुलिया बनवाई थी, लेकिन समस्या वहाँ पे जो रोड की प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे निजी आराजी है किसानों की, तो वो समस्या पैदा है सबसे ज्यादा। तो उसके लिए शासन को हम लोगों ने प्रयास किया हुआ है कि भू अर्जन की कार्रवाई उसमें हो, अगर तो भू अर्जन के माध्यम से, क्योंकि मुख्यमंत्री सड़क में वो गांव जुड़ सकता है क्योंकि मजरा है वो जी। तो मुख्यमंत्री सड़क में प्रावधान ही नहीं है भू अर्जन का, तो PWD या अन्य विभागों के पत्र वगैरह लिखवाए गए हैं कि अगर हो सकता है तो ऐसी कार्रवाई करें कि ताकि भू अर्जन की कार्रवाई हो और गाँव का रास्ता सुगम हो सके जी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 70 साल होने को आए और अब हमारी नजरें पड़ रही हैं, अब हमारी उन दिक्कतों को वो ग्रामवासी सालों से इस मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन 70 साल तो स्वीकार में भी कोई दिक्कत नहीं जी। इतने वर्ष हो गए लोग, ये एक मूलभूत सुविधाओं में से एक है जी। हाँ बिल्कुल सही बात कही आपने, बरसात में वहाँ पे दिक्कत इसलिए जाती है कि चूंकि निजी आराजी है तो रोड है नहीं जी। अब बरसात के बाद जैसे ही पानी निकल जाता है तो लोगों को आने जाने में जो खेत है वहाँ से आदमी निकलता है जी। लेकिन वाहन बरसात में टोटल हो जाते हैं क्लोज जी। तो उसके लिए प्रयास भी किया गया, जिनकी भूमि थी उनसे भी बातचीत की गई, भाई गांव वालों को रास्ता देने के लिए आप लोग थोड़ा थोड़ा जमीन दे दो जी। तो अब चार लोग हैं, चार में से दो सहमत है दो असहमत है, तो रोड स्वीकृत नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए प्रयास हम कर रहे हैं, विभाग से भी बात हुई है कि भू अर्जन की कार्रवाई इसके लिए की जाए। वो सरपंच ने भी शायद वहाँ स्थानीय सरपंच है जो उन्होंने भी प्रयास किया हुआ है, उन लोगों से बातचीत की है, ऐसी हमें जानकारी है। अगला सवाल मेरा जीत सिंह परमार जी से, जीत जी आप सरपंच हैं, कौन जिम्मेदार होगा इन खराब रास्तों के लिए और इन खराब रास्तों के चलते हमारे बच्चों का जो भविष्य खराब हो रहा है, बरसात के वक्त में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, कोई बीमार होता है तो जैसा कि हमारे ग्रामवासी ने बताया कि उनको डोली से उठाकर ले जाना पड़ रहा है, तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? क्या ये जो पॉलिटिशियन है या फिर जो जनप्रतिनिधि है सिर्फ वो वोट के लिए है, उनका फर्ज कहाँ है?
बिल्कुल बात सही है। क्या है कि वहाँ दूसरी पंचायत की जमीन है, वे लोग इस साल देने में इनकार हो गया। अभी लोग काम चलता था, उनकी जमीन पर निकलते थे अपन लोग जी। अब उनने इस साल में टोटल मिट्टी डाल दी है वहाँ पे जी। तो अब वहाँ समस्या हो चुकी। अपन ने पटवारी साहब से, आरआई साहब से, सबसे निवेदन कर ली है, तहसीलदार महोदय से जी, कह रहे हैं कि पहला द्वार तो अपना ही है कि वहाँ तो बहुत कठिन समस्या इस साल में वैसे ज्यादा है। बाकी तो अभी तो चल रहे थे उन्हीं की जमीनों से, बंद कर दी है। अब दूसरी पंचायत के लोग हैं वे और कहीं भी नहीं मार रहे। अभी उनसे कहा था कि दे दें 5-5 फुट जमीन, दे दें 10 फुट में अपन निकल जाएंगे जी। तो क्या जमीन के बदले उनको कोई मुआवजा देने की तैयारी है आपकी, या फिर आप चाह रहे हैं कि उनको वो बस जमीन दे दें? आपको बैठ के उनकी चर्चा हो जाए, कुछ में भी नहीं हो राजी हो रहे जी। ये इनकार है कि अब हम जमीन नहीं देंगे, अपने पढ़ाई जमीन है, अपन कुछ नहीं कर पा रहे, साफ नहीं प्रशासन को निवेदन कर रहे हैं, अब अपन को साफ नहीं प्रशासन जो अपन करे वो बैठ जी। मलखान सिंह राजपूत जी से मेरा फिर से एक सवाल है सर, इस मुद्दे पे अगर इसका सोल्यूशन चाहे तो क्या इसका सोल्यूशन होगा? किस तरीके से वहाँ की सड़कें फिर से बनेंगी, किस तरीके से वहाँ की सड़कें सही होंगी, आप लोग का क्या अप्रोच है इसकी तरफ? सोल्यूशन के लिए मैडम एक ही उपाय है, अभी जो बातचीत मैंने आपसे बताई है जी, कि ऐसे मद होते हैं कुछ जिसमें भू अर्जन होता है और कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो भू अर्जन नहीं कर सकते। तो हमने जो नीचे मुख्यमंत्री सड़क मद से जो सड़क बनाई जा रही थी नरेगा से, तो उसमें भू अर्जन के प्रावधान नहीं है, तो वो मामले अब समाप्त होकर हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग को लिखा है, लेकिन प्रावधान ये हो रहा है कि मजरे के लिए पीडब्ल्यूडी का प्रावधान नहीं है कि किसी मजरे को सड़क बनाई जाए पीडब्ल्यूडी के माध्यम से। तो अब गांव वालों से भी बातचीत किया है कि भाई ठीक है, जमीन आपकी इतनी सारी जमीन है, अगर थोड़ा सा 10 फीट दे दोगे तो उससे कोई पैसे से आपको इतना बड़ा आदमी तो बन नहीं जाना, लेकिन गरीब लोगों को बस्ती वालों को निकलने के लिए अगर रास्ता बन जाएगा तो उनको भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब उसके अलावा कोई उपाय अगर होता तो अभी तक तो हम लोग कभी का करा दिए हैं, जैसे हमारे यहाँ 2-4 गांव हैं जहाँ पे ये समस्या है, ये अकेला मजरा मड़ैयन बस नहीं है जी। ऐसे 2-4 गांव हैं जो निजी आराजी के बीच में बसे हुए हैं जी। तो वो समाधान इसीलिए नहीं हो पा रहा है सिर्फ निजी आराजी की वजह से, नहीं तो अभी तक सड़क बनती होती, सब बन गई होती। अच्छा उस गाँव के लोग भी नहीं है, वो जो जमीन है वहाँ पे वो दूसरी पंचायत के दूसरे गाँव के लोग, उन्हें तो ये लगता है कि यहाँ के लोग नहीं निकलेंगे तो हमें क्या तकलीफ है, अगर उनको भी निकलना होता उसी रास्ते से तो हो सकता था वो बात भी मान जाते जी। तो उसमें सिर्फ भू अर्जन है, तो आपने एक दिन बातचीत किया था इन लोगों के, आप आ जाओ तो कलेक्टर साहब के पास चल के जी। एक आवेदन देते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि साहब ऐसी ऐसी समस्या है, तो भू अर्जन की कार्रवाई कैसे हो सकती है ये कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे। ग्लोबल इंडिया टीवी की तरफ से हम सभी ग्राम वासियों की, आप जनप्रतिनिधियों से ये आवेदन निवेदन है कि इस समस्या को पूरी तरीके से आप रखें और जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण करें। अब अगला सवाल हमारे संवाददाता रजनीश नामदेव जी, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक सरकार के विकास की दावे ऐसी सड़कों पर साफ दिखाई देती है? जी बिल्कुल आयता जी, मैं आपको बता दूं जी कि ऐसे एक यह एक गाँव नहीं है, जैसा कि अभी सम्माननीय मंडल अध्यक्ष जी ने भी यह बात कही जी, पन्ना जिले में ऐसे एक गांव नहीं है, ऐसे कई गांव हैं जहां पर आज भी मतलब पंचायतों से अलग हैं गांव और मजरे में आते हैं, वहाँ पर ना लोगों के लिए आने जाने के लिए रास्ताएं होती हैं, ना ही वहाँ पर बिजली की कोई व्यवस्था होती है, ना ही पानी की सुविधा होती है, तो ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है। और जैसा कि अभी मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ था ये मड़ैयन बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए ग्लोबल इंडिया टीवी पर। तो आपने देखा कि किस तरह से ये कच्चे रास्ते बच्चों की पढ़ाई की नींव को कच्चा कर रहे हैं, किस तरह से वहाँ के लोगों के हाथों में वोट के निशान तो हैं मगर रास्ते सड़कें बेकार हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार भले ही गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बना रही है, लेकिन योजनाओं पर सतत निगरानी ना होने के चलते कई गाँव आज भी अपनी बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव में आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी हमारी समस्या ये है, हमारे कम से कम 2 पैरी से हमारे गांव में रोड रही हैं, सारी जनता दुखी होकर के पल रही है, जो मेन रास्ता थी हमारे गांव की वो मारी जा रही है,
उत्तर साइड में नदी लग रखी है, दक्षिण साइड में नरवा लग रखा है, और यो उत्तर नाला लग रखा है। हाँ तो होगा जीवन और पेरें आओ, इतनी परेशानी का जैसी कछुआ आओ, कोई कोनो सुनाई नहीं हो है? इतने बड़े लड़का सियाने बिटिया सियानी, हम भी बुढ़ा गए, दो दो तीन तीन साल हम मायको नहीं देखते हैं। रोड नहीं है, रोड में ना परेशानी है, मोहरा से गति तरवा, अब कैसे तो हो थे बरसात में ऐसे जाये थे गिरत गिरत, इतने से भेड़ भेड़ आ गई थे। हम तो कहीं थे महाराज सुन लाया भगवान मालिक हरा। जब से जन्म लिया है तो हमने रास्ता देखी ही नहीं है, एक खेतन से देखा है हमने। पढ़ाई करने हम यहाँ से बहुत समस्या होती है हमको पढ़ाई में, रोड की व्यवस्था है ही नहीं है, पैदल जाते हैं, तो साइकिल भी यदि सरकार में दी है तो कैसे ले जाए, मुड़ में थोड़ी धर के ले जाए, हम ले जाएंगे तो रास्ता से वो ही निकल नहीं पाती, रास्ता नहीं है तो पैदल जाते हैं। इस साइड जाए तो नरवा पड़ता है, इस साइड भी कोई व्यवस्था नहीं है, तो पढ़ाई में हमारी बहुत समस्या है। और पढ़ाई और यदि किसी यहाँ बहुत विपत्ति यदि आ जाए, यदि कोई मरीज हो जाए तो फिर वो बच नहीं पाता। अच्छा, कैसे ऐसी रास्ता है, हम तो चाहते हैं हमारा रास्ता बन जाए। वैसे हम जब से आया जब से बिल्कुल नहीं देखा रास्ता, रास्ता ही नहीं आता, कैसे जाइए, बंद है रास्ता, डोली से जा रहा है, आ रहे हैं कहीं डोली में ले जा रहा है, कहीं मुंह पे धर के ले जा रहा है, खटोलन में सही नहीं है, वाहन पे समस्या है। 200 वर्ष से नहीं, सीधी सीधी दो पैरी, 200 वर्ष से हम तो जब से ऐसे देखो कड़ाता रोड है, रोड कड़ा सब जान है, कहाँ से जाएगी रास्ता, तो रास्ता चाहते जाए जहाँ से दिया रास्ता चाहिए, हाँ आते हैं, बोलते हैं कि हमको वोट दो हम जीत जाएंगे तो रोड करवाएंगे, मस्त रास्ता हो जाएगा, पर जब वो जीत जाते हैं ना तो फिर देखने तक नहीं आती। ऐसे यहाँ के